जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के मार्गदर्शन में गठित की गई टीम द्वारा लगातार वन विभाग के माध्यम से वन संरक्षण के लिए जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस, राजस्व, पंचायत विभाग एवं वन विभाग के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता को एवं वन समितियों के सदस्यों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते शुक्रवार के दिन जनपद सभागृह बागली में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी चारों विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। इस दौरान सभी अतिथियों द्वारा मंच से वन संरक्षण के बारे में जानकारी दी। वहीं वन विभाग के DFO PN मिश्रा ने उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि क्षेत्र के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह जंगल की सुरक्षा करे, क्योंकि जंगल है तो जीवन है। जंगल में यदि किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां होती है तो वह चारों विभागों में से किसी को भी सूचना कर सकते हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जिले में जो वन संपदा है, वन संपदा का संरक्षण करने के लिए उसका कैसे सदुपयोग करें, वन समितियों को कैसे सशक्त बनाया जाए, उन सबको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति जो है, टास्क फोर्स जिसका गठन किया है, समिति जो है जिले में जितने भी वन संपदा है, वन संपदा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वन समितियाँ हैं, जो सरकारी लोग हैं, सरकारी अमला जो है, उन सबको साथ में लेकर वनों का कैसे संरक्षण हो, वनों पर आधारित जो लोग हैं उनका कैसे जीविकोपार्जन का माध्यम सक्षम लोग हो, और वनों को कैसे माफियाओं से बचाया जाए, इसको लेकर वर्कशॉप पूरे ज़िले में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज यहां पर बागली में किया था। पूरे ज़िले में हम इस तरह के वर्कशॉप करेंगे और वन संरक्षण को जो है बढ़ावा देने का कार्य हम करेंगे। यह शिविर की खासियत यह है कि यह अकेले वन विभाग का जन जागरूकता शिविर नहीं है। सामान्यतः आप देखते हैं कि वन विभाग के कार्यक्रम जो होते हैं वो वन विभाग के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला कलेक्टर देवास की अध्यक्षता में टास्क फोर्स में हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे चार विभाग चुने गए जो ग्रामीणों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो ऐसे विभाग जो वनों के करीब हैं और वनों के करीब के साथ साथ वन समितियाँ वहाँ पर कार्यरत हैं, ऐसे लोगों की कुछ विशिष्ट समस्याएँ होती हैं। शहर के पास के लोगों की समितियों की अलग समस्याएं होती हैं और जंगलों के पास की समितियों की अलग समस्या होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए केवल अकेले वन विभाग ही कारगर नहीं साबित हो सकता, पुलिस विभाग की भी आवश्यकता है, राजस्व विभाग की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग की भी आवश्यकता है। इन चारों विकासों का समन्वय करके आज देवास ज़िले में समितियों के जन जागरूकता शिविर का शुभारम्भ किया गया है। आने वाले समय में अगले 10 स्थलों पर भी यह शिविर अलग अलग विकास खंडों में जारी रहेगा और मार्च तक लगभग पूरा जिला हम कवर कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।